हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू नदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि अगर आज साले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ आपके फोटो में। भाई इस वीडियो को एडिट जरूर पहुंच करना, जो भी चैनल यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड और भी मस्त वीडियो डेली बेसिस पर मिलते रहे। बाकी गाइस आज की सारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना स्नैपसीड ऐप ओपन कर देना होगा। बीच में प्लस की आइकॉन नजर आ रही है ये वाला, उसमें आपको सिंपल क्लिक कर देना होगा एक बारी। तो एड गई, जैसे ही आप उसमें क्लिक कर लेते हो तो यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी सिंपली से। तो फिर आपको क्या करना होगा, गैलरी से आपको वो वाला फोटो सेलेक्ट कर देना होगा जिसको अभी आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला फोटो अपने एडिट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। तो देखेंगे जब आपको क्या करना होगा कि इस पेंसिल वाले आइकॉन में यहाँ से क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ट्यून इमेज वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देनी होगी। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद पोस्टर इतनी बढ़ा देनी होगी, मतलब कि जैसे कि जैसे मैं मतलब कि सेटिंग रखना हो आपके मतलब कि मेरे फोटो की, तो उस तरह से ही आपको बढ़ा देनी होगी। मतलब कि सेचुरेशन आपको कुछ इतनी बढ़ा देनी होगी। तो बढ़ा देने के बाद एम्बियंस आपको थोड़ी बहुत इतनी बढ़ा देनी होगी और हाईलाइट्स थोड़ी बढ़ा देनी होगी ताकि आपका जो फेस है थोड़ा बहुत वाइट और थोड़ा बहुत ग्लोइंग हो जाए, मतलब कि ग्लोइंग सा हो जाए। फिर आपको क्या करना होगा कि इसकी शेडोज आपको डिक्रीज कर राइट में सिंपली क्लिक कर देना होगा। वार्म्थ को आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो देंगे इतना हमारा मतलब कि करने के बाद आपको अगेन स्पेंसर वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अभी आपको इस डिटेल्स वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो इन करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर आपको -100 कर देनी होगी, जैसे कि मैं कर लिया हूँ। तो ऐसे आप कर लेते हो तो आपका जो फोटो यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। पहले आपको इस तरह सा था, अभी आप देख सकते हो इस तरह से आप माइनस डिक्रीज मतलब कि 100 कर लेते हो तो आपका फोटो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो देंगे राइट भी सिंपल क्लिक कर देना होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि आपका इफेक्ट यहाँ बैकग्राउंड पर और आपके मास्क पर और आपके हेयर्स पर भी थोड़ा बहुत आ चुका है। तो अभी आपको क्या कहना होगा, इसको हटाने के लिए ऊपर स्क्रोस्ती वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा ये वाले में। तो कर देने के बाद यहाँ से व्यू एडिट्स के बाद डिटेल, फिर बीच में आपको ब्रश ले लेनी होगी। तो एंड ब्रश लेने के बाद नीचे आपको साइज 100 होना चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आपके क्लोसेस पर और आपके फेस पर कर देना होगा। अब आप सोच रहे हैं भाई हम क्लोसेस को स्मूथ क्यों करें, अगर आप क्लोसेस पर भी कर लेते हो ना तो देख सकते हो भाई आपके सामने ही रिजल्ट कितना सा अच्छा मतलब के फोटो लग रहा है। तो इस तरह से आपको अपना कर देना होगा जैसे कि मैं कह रहा हूँ, और इस तरह से आपको रेंडमली कहीं कहीं से फेस पर भी करना होगा। मतलब कि ऐसे सारे पार्ट पर मतलब के फेस के नहीं करना, रेंडमली कहीं कहीं से आपको इस तरह से कर देना होगा। तो एड गई इतना करने के बाद राइट में सिंपली कर देना होगा, तो क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद ऊपर स्टील वाले आइकॉन भी क्लिक कर यहाँ से बैक आ जाना होगा। तो एंड गई इतनी सेटिंग करने के बाद आपको अगेन स्पेंसर वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड गई क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसे सिलेक्ट वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो इस एंड गई जिसमें क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, मान लो यहाँ पर मेरे फेस मतलब कि डार्कनेस इसकी बॉडी की यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये भी आइकॉन सेट कर देना होगा। फिर इसकी साइज़ आपको इस तरह से डिक्रीज कर देनी होगी। ये रेड जो रे आप देख सकते हो ये वहीं पर होनी चाहिए जहाँ से आप फोटो आपका वाइट यानी रिटच करना चाहते हो। तो फिर इस तरह से करके इस तरह से आपको ब्राइटनेस बढ़ा देनी होगी। तो जैसे ही आप इसको बढ़ा लेते हो तो आपकी जो फेस है या कोई भी बॉडी पार्ट है वो आपका रिटच हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी भाई देख ही सकते हो रिजल्ट आपके सामने, मैं नहीं बोलूँगा कुछ, भाई देखो आप। तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कर देना होगा। तो भाई कर ले दो ना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिटच हो जाएगा। आगे तो भाई बहुत सिंपल एडिटिंग है, आप बस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। इस तरह की कोई भी एडिट आप कर लोगे तो देंगे इतना करने के बाद राइट में सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो आपका फोटो यहाँ पर कितना पहले से अच्छा एडिट हो चुका है। पहले अभी भाई बताऊँगा कुछ नहीं, देखो आप। तो देखिए अगेन स्पेंसर वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा आपको। तो एंडगेज क्लिक करने के बाद अभी आपको इस व्हाइट बैलेंस वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो एंडगेज क्लिक करने के बाद इस तरह से इसकी टेम्परेचर आपको डिक्रीज कर देनी होगी और टेंट भी आपको कुछ इस टाइप से डिक्रीज कर देनी होगी जैसे कि मैं कह रहा हूँ। तो एंडगेज इतना कर देने के बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन सी सेटिंग रख देनी होगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ये बढ़ा देनी, मतलब कि इतना करने के बाद यहाँ से मैं सही से आपको समझा देता हूँ, आप बात नहीं समझोगे। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसकी टेम्परेचर आपको -100 करनी होगी यहाँ पर, मतलब कि डिक्रीज फुल डिक्रीज। फिर अब आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको नीचे आ जाना होगा और इसकी टिंट जो है वो भी आपको फुल्ली डिक्रीज ही करनी होगी। तो देंगे सिंपली राइट में क्लिक कर देना होगा। तो कर देने के बाद ऊपर क्रॉस चीज के बाद व्यू एडिट्स के बाद वाइट बैलेंस, फिर बीच में से आपको ब्रश ले लेनी होगी। तो भाई ब्रश ले लेने के बाद नीचे आपकी साइज ये वाइट बैलेंस वाली 100 होनी चाहिए। फिर इस तरह से आपको अपने क्लोसेस पर जूम इन कर और इस तरह से आपको ब्रश ड्रॉ कर देनी होगी जैसे कि मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से आप कर लेते हो तो आपका जो टी शर्ट का या कोई भी क्लोसेस का कलर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पूरा चेंज, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में।
तो ऑल राइट गाइस, यार अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसका पूरा का पूरा टी शर्ट का कलर चेंज कर दिया। मगर आपके होता है थोड़ा बहुत, तो आपको मास्क मतलब इसके मास्क पर भी आपको कर देना है थोड़ा बहुत, इतना मतलब कि रेंडम कहीं कहीं से तो देंगे। अभी आप देख सकते हो आपका फोटो कितना ही अच्छा एडिट हो चुका है अभी से ही, तो देंगे। यहाँ से सिंपली आपको राइट में क्लिक कर देना, और राइट में क्लिक करने बाद ऊपर स्टील वाले आइकॉन में क्लिक करके बैक आ जाना, और बैक आ जाने बाद अभी आपको फाइनली से मतलब कि पेंसिल के आइकॉन में क्लिक कर देना, और क्लिक करने बाद अभी आपको डबल एक्सपोजर वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको छोटी सी गैलरी वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड जैसे आप इसमें क्लिक कर लेते हो तो आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा कि गैलर से आपको वो वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देना होगा जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो। तो ये वाला मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना, जैसा कि भी आप देख सकते हो। तो देंगे ये भी आपको क्या करना होगा, इस टाइप से आपको जूम इन कर देना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इसे ड्रॉप वाले आइकॉन में क्लिक करके इसकी ओपेसिटी आपको फुल कर देनी होगी जैसे कि मैं कर लिया हूँ। तो देंगे सिंपली राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने बाद ऊपर क्रोस्टी दोबारा से व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सपोजर, फिर बीच में से आपको ब्रश ले लेने होगी। तो देंगे ब्रश लेने बाद आपको क्या करना होगा, साइज आपके नीचे दोबारा से 100 होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आपको अपने बैकग्राउंड पर ड्रॉ कर देना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कर लेते हो तो आपका पूरा बैकग्राउंड है वो यहाँ पर फुल आपको चेंज हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। पूरा केयरफुली आपको करना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो ऑल राइट गाइस, यार अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसी के साथ इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया फुली। तो अभी आप देख सकते हो, तो देंगे राइट में क्लिक करने के बाद ऊपर तीन वाले आइकॉन में क्लिक करके बैक आ जाना इस वाले में। तो देंगे जब आप देख सकते हो आपका पूरा फोटो यहाँ पर एडिट होने को आ गया। तो देंगे लास्ट स्टेप आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन में क्लिक कर इसे ट्यून इमेज वाले आइकॉन में क्लिक कर देना, और क्लिक करने बाद इस तरह से ब्राइटनेस बढ़ा देनी होगी, कॉन्स्टेंट और सेचुरेशन आपको जिस टाइप से बढ़ा देनी होगी, एम्बिएंस थोड़ी बहुत बढ़ा देनी होगी, हाईलाइट्स आपको इतनी बढ़ा देनी होगी जैसे कि मैं बढ़ा लिया हूँ, तो शेडो आपको थोड़े बहुत कम करके राइट में क्लिक कर देना। फाइनली गाइस आपको फोटो यहाँ पर एडिट हो चुका है भाई। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी से ज्यादा लाइक कर देना, इस वीडियो पे एम कर दे 100 लाइक ले। तो यार प्लीज सभी लोग जल्दी से लाइक बटन पर गोल कंप्लीट कर देना, और जो भी चैनल यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड और भी मस्त वीडियो डेली बेसिस पर मिलते रहे। बाकी गाइस आज की सर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।